सक्ती जिले के डबरा को सीएम भूपेश बघेल ने 3,46,00,000 रुपए के 18 विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया। साथ ही 141,58,00,000 रुपए के 152 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम ने आम सभा को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना पर पीएम के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से प्रधानमंत्री को क्या तकलीफ है, जातिगत जनगणना से जानकारी सामने आएगी, राज्य और केंद्र सरकार को योजना बनाने में आसानी होगी। वहीं धान खरीदी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि रमन सिंह के कार्यकाल के 2 साल का बोनस बाकी है, मैंने पत्र लिखा है मोदी सरकार को, हमें बोनस देने की अनुमति दें, लेकिन अनुमति नहीं दी। जातिगत जनगणना में उनको तकलीफ क्या है? जातिगत जनगणना होगी चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे अनुसूचित जाति को हो, जनजाति को हो, पिछड़े वर्ग को हो, अपर काल हो, इस जनगणना से ये होगा कि देश की आजादी 75 साल बाद हमारे विभिन्न जाति के लोग उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसका उसकी जानकारी मिलेगी। वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो तो योजना बनाने में उसका लाभ होगा। मैं आज मंच के माध्यम से कहा था रमन सिंह के 2 साल के बोनस बांचे हैं, परम दिन प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखे बोनस दे के अनुमति दे दे, मैं छत्तीसगढ़ के किसान के 4,000 करोड़ बोनस के बांचे बोल दू, बोनस ना मना करे वहा, केंद्र सरकार मना करे है, देना अनुमति का रोक कावर लगा है, ये तो किसान ही ऐसे किसान विरोधी है। मैं तुम मतलब पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसान ही ऐसे किसान विरोधी है? आवाज कहा थे धान लम्बे खरीदता लबरख नौ नांगर